हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम माय चैनल। दोस्तों आज हम चलेंगे अपना कॉलेज, जैसे कि डाइट कुरुक्षेत्र का कॉलेज है पलवल में, तो हम चलेंगे। पहले आपको लोकेशन दिखा देते हैं सही से। ये इधर दिखा दो, ये मेरा घर है पीछे इसके, इधर चलिए। हाँ, ये इसके पीछे जस्ट मेरा घर है और ये सामने जैसे कि ट्रेन वगैरह है, तो ये स्टेशन जस्ट सामने है। स्टेशन से आपको सीधा जैसे आप जाओगे फिर आगे जाके आपको राइट लेना है, वो हम सब दिखाएंगे आगे चलते चलते। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है 15 से 20 मिनट का, बाकी अगर आप शुरू से अंत तक वीडियो देखो तो पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे जाना है, किधर से जाना है, और हर एक चीज़ कॉलेज का, हर एक क्लासरूम वगैरह हर एक चीज़ हम दिखा देंगे वहाँ पे। टीचर से भी कोशिश करेंगे हम लोग कि इंटरेक्ट करें, बात बात करें, कुछ पूछ लेंगे अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से चाहिए होगा तो। बाकी कॉलेज कैंपस वगैरह हर एक चीज़ दिखाएंगे। तो जैसे कि स्टेशन से आप आओ, स्टेशन में जैसे ही उतारेगा आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही जनरली कोई भी ट्रेन जाती है अगर यहाँ रुकती है तो प्लेटफॉर्म 1 पे रुक के आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको इधर से सीधा स्ट्रेट जाना है, जैसे स्ट्रेट जाओगे एकदम जहाँ लास्ट है वहाँ पर आपको राइट टर्न लेनी है, ठीक है। तो आगे चलते फिर हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप ये रास्ते से ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आओ, ये FCI का गोडाउन है, आप देख सकते हो पीछे स्टेशन है और यहाँ पे से ट्रेन लगी हुई रहती है अक्सर, क्योंकि यहाँ से चावल वगैरह लोडिंग होता है सप्लाई के लिए बहुत कुछ भी। तो ये FCI गोडाउन जैसे आप देखोगे तो ये रोड में हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। और जैसे कि वहाँ पे टर्निंग आप लोगों को कुछ खास दिख रहा होगा, जैसे ओवरब्रिज भी है वहाँ पे, तो ओवरब्रिज के आगे मैं आप लोगों को रास्ता बताऊंगा। बस ये टर्निंग है, देख लीजिए सामने से है ना, बस यहीं अपने को राइट टर्न लेनी है, फिर आगे तो मैं दिखाता हूँ आगे का रास्ता भी क्लियर तरीके से। जैसे आप देख सकते हैं पहुँच गए हम लोग यहाँ टर्निंग के पास, और यहाँ से आपको राइट टर्न लेनी है। राइट टर्न लेने के बाद जस्ट आगे देख रहे होंगे बाइक है, वहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेनी है ना। यहाँ राइट टर्न है, यहाँ जैसे पोल वगैरह दिख रहा होगा, यहाँ से जस्ट आपको लेफ्ट टर्न लेनी है, यहाँ से लेफ्ट टर्न, बस यहाँ जैसे आप लेफ्ट टर्न ले लो, बस यहाँ से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है, फिर आगे ब्रिज दिखाते हैं। दिस इज़ द वे टू माई कॉलेज, और जैसे कि आप लोग ओवर ब्रिज देख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आना था आपको वहाँ से, फिर जैसे कि रास्ता मैंने बताया था लेफ्ट राइट करके, फिर आगे जैसे ओवर ब्रिज दिखेगा, ओवर ब्रिज के नीचे से आपको होके निकलना है, सबसे शॉर्टकट है मेरे कॉलेज के लिए। तो चलिए अभी कॉलेज की तरफ ही चलते हैं फटाफट। मैं खा मखा चला चला और बढ़ता गया, तुम्हारे राह में साथ सांस लेता। जैसे यहाँ ओवर ब्रिज के पास आ जाओ, ये ओवर ब्रिज जैसे कि है, तो फिर आप इधर से साइड से निकल जाना, या आप ये बीच से भी निकल सकते हो, ये साइड से सही रोड दिख रहा है आपको। ये सबसे शॉर्टेस्ट वे टू माई कॉलेज, मेरे रूम से स्टेशन से बोला जाए तो। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है एकदम आगे तक, और आगे से फिर आपको लेफ्ट लेनी है, ज़्यादातर इधर लेफ्ट ही लेना है क्योंकि अपना कॉलेज थोड़ा उधर पड़ता है वो साइड पे है ना, तो अपने को लेफ्ट ही ज़्यादा लेना पड़ता है। तो आगे फॉरवर्ड जाएंगे, कहाँ पे मुड़ना वो आप लोगों को हम चलिए दिखाते हैं। कह दो ना हमें आज तो, दे दो ना एक बात तो, छेड़ो ना जज्बात में खो लेना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पहुँच गया मैंने, और यहाँ पे अपने को लेफ्ट लेनी है जैसे कि मैंने बताया था लेफ्ट। तो जैसे कि यहाँ लेफ्ट लोगे फिर यहाँ से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जानी है, यहाँ से आपको किधर भी मुड़ना नहीं है। ये रोड आप देख के भी ऐसे पता लगा सकते हो, हमेशा टैंकर आपका खड़ा रहेगा पानी वाला, और फिर ऐसे स्ट्रेट जाओ तो इधर कुछ दुकान ऐसे देखने को मिल जाएगा, तो समझ जाना कि ये रोड अपना सही है। रुकना नहीं है, अंत तक जाना है, अंत ज़्यादा दूर नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर होगा, उतने दूर जाना है, फिर आपको वहाँ फाटक मिलेगा। फाटक के पास हम फिर से आपको दिखाते हैं किधर जाना है किधर नहीं जाना है, तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। अब चलिए चलते हैं फास्ट मोड, दिस इज़ द वे। फाइनली हम लोग जा ही रहे हैं, थोड़ा सा एक्चुअली दूर है, तो कितना हरा पर आप लोग देख सकते हैं ये सीन, मतलब जितने भी कॉलेज हरियाणा में और पंजाब में आपको देखने को मिलेंगे अधिकतर वो थोड़ा साइड में ही रहता है, तो मेरा कॉलेज यहाँ से थोड़ा दूर है। आपको शायद ही कुछ दिख रहा हो, वो छोटा सा गेट है, मे भी यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, खैर कोई नहीं, हम लोग नज़दीक जा ही रहे दिखाने के लिए, तो आप लोग को वहाँ से दिखा देंगे। ये देखिए कितने हरे भरे हैं यहाँ पे, देख लो ये मेरे, हम जैसे कि झारखंड से बिलोंग करते हैं तो शायद वहाँ पे इतना हरा भरा है नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि बारिश हुआ नहीं इस बार, लेकिन यहाँ देखो कितना हरा भरा, वाओ अमेजिंग ब्यूटीफुल। और वो सामने एक कॉलेज दिख रहा होगा आपको, वो थोड़ा BSc नर्सिंग वगैरह का आई थिंक मेडिकल कॉलेज ही कुछ बन रहा है, तो इससे भी आप पता लगा सकते हो हमारे कॉलेज किधर है ना, थोड़ा अगर आप कन्फ्यूज हो जाओ रास्ते में तो ये, और ये रास्ता बस ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये रास्ता देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोग ये फाटक के पास पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ फाटक, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना रोड है। तो यहाँ से आपको क्या करनी है, जैसे फाटक एक को लेफ्ट को जा रही है, एक राइट को जा रही है, अपने को राइट में जानी है, इधर है ना अपना कॉलेज, इधर ही है राइट से, जैसे कि ये फाटक इधर है, तो अपने को इधर राइट जाना है,
जैसे आप राइट जाओ, ये इधर एक क्या है कि गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, देखिए वो सामने जैसे दिख रहा होगा वो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, और अपना कैंटीन भी इधर में ही है आप पास में, और फिर ये गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की बच्चियाँ हैं, और अपना कॉलेज जैसे इससे थोड़ा आगे है, तो चलते हैं वहाँ पर फिर नज़दीक से आप लोग को दिखाते हैं, थोड़ा सा आगे यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है। ब्रिज टावर कॉलेज, यही मेरा कॉलेज है, जैसे देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ डाइट डिस्ट्रिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यही है मेरा कॉलेज। फाइनली वी हैव रीच दिस कॉलेज, कितना अच्छा आप लोग देख सकते हैं, हरा भरा, वाह। चलो फिर मैं आप लोगों को अंदर से सब चीज़ दिखाता हूँ, ये एंट्री था बस। दिस इज़ द पार्किंग एरिया ऑफ माई कॉलेज, काफ़ी बड़ा है पार्किंग एरिया भी, छोटा माइक दे दे। अभी बच्चे आए नहीं हैं क्योंकि आज अभी एग्ज़ाम चल रहा है फिलहाल, तो बस ऐसे ही नॉर्मली मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये भी साइड एरिया, जैसे कि यहाँ पे बैठ सकते हो ऐसे, है ना, और ये पूरा एरिया कॉलेज का ही है, बहुत दूर तक है कॉलेज का एरिया, आपको दिखेगा नहीं अंतिम तक। इधर थोड़ा मतलब हरा भरा है इधर ऐसे भी, तो ऐसे ही है पूरा मेरा कॉलेज है। चलिए अब हम चलते हैं बिल्डिंग की ओर, बिल्डिंग भी है अंदर है, क्लासेस वगैरह दिखाते हैं, क्लासेस वगैरह काफ़ी हाई फाई है, तो क्लासेस में चलते पहले। दिल मेरा कुंवारा, दिल मेरा कुंवारा, दिल मेरा कुंवारा, दिल मेरा ओ दिल मेरा कुंवारा, दिल मेरा। एंड दिस इज़ द अपर फ्लोर, ये पूरा ऐसे क्लासरूम है, जैसे कि दिस इज़ वन ऑफ द क्लासरूम, ये है, अभी फ़िलहाल कुछ अरेंज नहीं है, बाकी ऐसा है। और अंजाम दे कुछ नाम दे इस गीत को पहचान, खाम खा चला चला उड़ बढ़ता गया, तुम्हारे राम साथ सांस लेता गया। मैं खा मखा चला चला उड़ बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। मैं खा मखा चला चला उड़ बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया।
जोर से बोल। एक्सक्यूज मी सर, सर सर आ जाइए सर, इंटरव्यू सर। कैसा फील हो रहा है? केमिस्ट्री कह दो ना हमें आज तो दे दो ना, एक बात तो छेड़ो ना जज्बात में खो लेना। ओ मेरी हेर हो ना खफा, ओ मेरी हेर जल ना रुला, ना कर आफरा लब रेज कर ना आप जा। दिल मेरा गुवारा, दिल मेरा गुवारा, दिल मेरा गुवारा, दिल दिल मेरा कुवारा, दिल मेरा कुवारा, दिल मेरा कुवारा, दिल मेरा जगाए। फीकी फीकी जिंदगानी भर दे तू फागुन के रंग सारे प्राण मेरे, अंधियारी कारी रातें कर दे तू पूरे मन की उजियारी जान मेरे, फीकी फीकी जिंदगानी भर दे तू पागल लगे रंग सारे प्राण मेरे, अंधियारी कारी रातें कर दे तू पूरे। फाइनली वी आर ऑन द वे टू कैंटीन, तो अभी हम लोग कैंटीन जा रहे हैं, मेरा फ्रेंड साहिल है, साहिल तो आज हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा इसका बर्थडे है तो आज ही हम लोग का ये था लगन था मतलब। अरे ये शंकर बाबू है, कोई नहीं शंकर बाबू आओ कॉलेज फिर मिलते हैं आगे कैंटीन में, उसको भी हम लोगों ने बुला लिया है। जान मेरे, जान मेरे, प्राण मेरे, आगाज कर उनवान दे, अंजाम दे, कुछ नाम दे इस गीत को पहचान। खाम खा चला चला उड़ बढ़ता गया, तुम्हारे राम साथ सांस लेता गया। दिस इज द कैंटीन फाइनली वी हैव रीच्ड, तुम्हारी साइड से तुम्हारी भी उसके आ रहे हैं कोई रिलेटिव? क्या रिलेटिव? अरे यहाँ कॉलेज में आ रहा है कोई? कॉलेज में तो आ ही रहा यार। फाइनली मी एंड शंकर वेटिंग फॉर व्हाट वेटिंग यार, क्या चीज़ का वेट कर रहे हैं भाई हम लोग? अरे भाई यार खाने वाला का तो बर्गर आ रहा है अभी हम लोग का। माइक यूज कर ले छोटा वाला। बस अभी शंकर बाबू इंतजार में है कि यार कब मिलेगा। अरे मुँह में पानी आ गया शंकर का। खैर कोई नहीं आ जाएगा। एंड दिस इज ऋतिक, ये मेरी क्लास का है मेडिकल वाला सीबीजेट, इसको आप मुँह में पानी आ रहा नहीं? हाय हाय मजे। चलो कोई नहीं इंतजार करते बर्गर आने का। साहिल ब्रो पार्टी दे रहा है, छोटा सा पार्टी आ रहा बर्गर, फिर हम लोग दिखा बर्गर भी दिखाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। फाइनली साहिल ब्रो ने लेते आया, देखो वाह। हाँ वो यूट्यूब पर डालना है। अरे यार चैनल बंद करवा देगा, क्या बात है। मेरे डिमांड पे फ्रूटी आया और ये लोगों को कोक चाहिए था। चलो फाइनली दोनों आ चुके हैं। क्या कर रहे हो ये? अच्छा ठीक है यूट्यूब पे जाएगा, टेंशन मत ले, पापा देखेगा तो देंगे तुम। अब पता चल गया इसमें मिक्स भी है। चला